हर महादेव, दर्शकों जय महाकाल। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा तरक्की हो, आपके घर में धन संपदा के भंडार भरे रहें, आपके घर में पैसों की बिल्कुल कमी ना हो, तो कुछ उपाय हैं जिन्हें आप कीजिए। इन उपायों में सबसे पहला है कि सुबह के समय आप किसी भी शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु के मंदिर जाएं, वहाँ पर उन्हें प्रणाम करें। आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए आप उनसे प्रार्थना करें। इसके बाद उनके चरणों में चढ़े हुए गुलाब या जो भी पीले रंग के फूल हों, लाल रंग के फूल हों, उन्हें अपने साथ ले आएं। इन फूलों की पत्तियों को आप छाया में सुखाकर अपने पर्स में रख लें। जब तक ये फूल की पत्तियां आपके पर्स में बनी रहेंगी, तब तक आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। तो ये आप ज़रूर करें। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है आपके कारोबार में, व्यापार में, सभी में आपको तरक्की मिलेगी और आपके जेब में पैसे हमेशा बने रहेंगे। और जैसे प्रत्येक दिवाली पर हम जो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो हम लोग सिक्का रखते हैं, सोने का या चांदी का सिक्का रखते हैं, फिर उसे हम पूजन करते हैं उसका। तो वो सिक्का जो है उसे आप अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से भी आपके पर्स में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में भी धन संपदा के भंडार भरे रहेंगे। अगर ऐसा ना हो तो आप किसी भी शुभ दिन अपनी जेब से 1 रुपये का सिक्का निकालकर भगवान के चरणों में चढ़ा दें। उसके बाद 1 सप्ताह तक वो सिक्का वहीं रखा रहने दें और 1 सप्ताह बाद किसी अच्छे मुहूर्त में उस जो सिक्का है उसे उठाकर आप अपने पर्स में रख लें, भगवान का आशीर्वाद के रूप में उठाकर। फिर देखिए आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। और आप अपने घर जो अपने पर्स में आप अपने इष्ट देवता की तस्वीर जरूर रखें और प्रतिदिन उसे एक बार उस तस्वीर को आप जरूर उसके दर्शन करें। इससे भी आपकी तरक्की बढ़ती चली जाएगी। आप जो भी कार्य करें उसमें आपको तरक्की मिलेगी, व्यापार कारोबार में तरक्की मिलेगी और आपके घर में धन संपदा के भंडार भरे रहेंगे। तो आप इष्ट देव के दर्शन आप जरूर ही करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय महाकाल।